हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि मेरी एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारुल्स किचन एंड मोर। आज हम बनाएंगे बहुत ही मॉइस्ट और चॉकलेटी स्पॉन्ज केक जो मुंह में जाते ही घुल जाए। इसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले 1 कप मैदा, 3 टेबल स्पून कोको पाउडर, 3/4 कप पाउडर शुगर जिसको घर में ही पीस कर छान लिया है, 1/2 कप वेजिटेबल ऑयल, 1/2 कप मिल्क, 2 टेबल स्पून कर्ड, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ सॉल्ट। सबसे पहले हम अपने बेकिंग के टिन को रेडी कर लेंगे। टिन को पहले हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और उसके ऊपर पार्चमेंट पेपर लगाकर फिर से उससे ऊपर से ग्रीस कर लिया है। अब हम अपने ओवन को पहले प्रीहीट करेंगे 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए। अब हम सबसे पहले अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेते हैं। ये मैंने मैदा लिया है, कोको पाउडर लेंगे, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और सॉल्ट। इन सबको अब हम छान लेंगे जिससे कि इसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए, जिसकी वजह से हमारा केक जो है वो बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनेगा। ये अब मैं दूसरी बार इसको छान रही हूँ। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि केक बनाते हुए उसके सभी इंग्रेडिएंट रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। अब हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने छान लिया है और अब हम लेंगे अपना ऑयल और इसमें ऐड करेंगे हम पाउडर शुगर। चीनी जो है वो हमारी छनी हुई होनी चाहिए और इसको अच्छे से हम स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेंगे ताकि अब जब हम बीटर से इसको बीट करें तो ये उड़े ना। अब हम बीटर की हेल्प से इसको बीट कर लेंगे। सिर्फ हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, ओवर बीट नहीं करना है। अब हम ऐड करेंगे इसमें कर्ड, 2 टेबल स्पून दही है ये, और वनीला एसेंस। फिर से एक बार मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। बस ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें अपना ड्राई इंग्रेडिएंट्स को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके 2 बैचेस में डालेंगे। पहले मैंने ये 1/2 डाला है। इसको कट एंड फोल्ड मेथड से हम बिल्कुल हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क। हमने 1/2 कप मिल्क लिया है जिसमें से अभी मैंने इसमें 1/2 डाला है। अच्छे से धीरे धीरे मिक्स करेंगे। अब बाकी का बचा हुआ फ्लावर डाल देंगे और फिर से कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स करेंगे और बचा हुआ मिल्क भी ऐड कर देंगे। अब हम बीटर की हेल्प से इसको मिक्स करेंगे जिससे कि इसमें लम्स ना रहें। बस इतना ही बीट करना है कि इसमें लम्स ना रहें, ओवर बीट नहीं करना।
बस ये मिक्स हो गया है। देखिए अब हमारे केक बैटर की ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसको अपने केक टिन में डाल देंगे और 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में 30 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। इसको अब हमें कम से कम 6-7 बार इस तरह से टैप करना है। ये 30 मिनट्स के लिए अब हम इसको बेक करना रख देंगे। अगर 30 मिनट्स में बेक नहीं होता है तो हम 2 मिनट के लिए और बेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा केक बनेगा, इसे आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी बताएं कि आपने ट्राई किया तो कैसा बना। ये हमारा केक बन गया है। चलिए अब हम इसे निकाल कर चेक कर लेते हैं। ये टूथपिक से मैं इसको चेक करूँगी। अगर हमारी टूथपिक बिल्कुल क्लियर निकल आती है तो इट मीन्स कि हमारा केक बिल्कुल सही बना है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। ये ठंडा होने के बाद हम इसके साइड्स को इस तरह से स्क्रैप कर लेंगे। और प्लेट में इस तरह से पलट लेंगे। बस इस तरह टैप करेंगे। ये देखिए हमारा केक बिल्कुल रेडी है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहे। देखिए कितना स्पॉन्जी केक बना है, बहुत ही सॉफ्ट। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।